विश्व में जो केस 200 से भी कम मिले हैं उसमें एक झारखंड में मिला है। साल भर की बच्ची पेट दर्द से कराहती रहती थी। गिरिडीह से लेकर धनबाद और फिर रांची तक बच्ची को दिखाया गया, लेकिन बच्ची को आराम नहीं मिल सका। एक तरफ बच्ची का जितना दर्द बढ़ता जा रहा था उतना ही उसका पेट। आखिरकार बच्ची को लेकर परिजन रांची के टाटी सिल्वे के स्वर्णरेखा अस्पताल पहुंचे। वहां बच्ची के पेट की सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई कराई गई। रिपोर्ट देखकर तो सबके होश उड़ गए। डॉक्टरों ने बताया कि एक साल की बच्ची के पेट में 250 ग्राम का भ्रूण है और समय के साथ वो बढ़ता ही जा रहा है। ये मेरा पोती लग रही है, जो बच्ची है वो मेरा पोती है। और सर ये काफ़ी जगह दिखाएं, धनबाद में भी दिखाएं, वहाँ का भी रिपोर्ट है, और गौड़तम्बा भी दिखाएं, वहाँ का भी रिपोर्ट है, और रांची में भी जो है सो कई जगह ही दिखाएं। लेकिन आखिरी में मुझे पता चला कि इस तरह की परेशानी है और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड लग रहा था पेट और रो रही थी बहुत ज़्यादा। एक साल की बच्ची के पेट से ऑपरेशन कर भ्रूण निकालना आसान नहीं था, लेकिन साल भर की बच्ची के पेट में पल रहे और विकसित भ्रूण को बाहर निकालना भी जरूरी था। अस्पताल के डॉक्टर आलोक चंद्र और उनकी टीम ने ऑपरेशन का मन बनाया और सर्जरी कर बच्ची के पेट से भ्रूण को बाहर निकाला। डॉक्टरों के मुताबिक माँ के गर्भ में अगर दो भ्रूण हो और उसमें एक भ्रूण विकसित नहीं होता तो वह दूसरे के शरीर में चला जाता है। मेडिकल भाषा में इसे फिट्स इन फिटू कहते हैं। अब क्या होता है फिट्स इन फिटू वो भी जान लीजिए। फिट्स इन फिटू यानी भ्रूण के अंदर एक और भ्रूण, जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में एक भ्रूण का विकसित नहीं होना, दूसरे के शरीर में चिपक जाते हैं ऐसे अविकसित भ्रूण। दुनिया भर में अब तक करीब मिले हैं 200 ऐसे मामले, 50 लाख लोगों में से ऐसा एक मामला सामने आता है। भारत में अब तक लगभग 5 से 6 मामले ऐसे सामने आए हैं। जांच में हमें कुछ बच्ची के पेट के अंदर एक बच्चा जैसा चीज दिखा। इस चीज को हम लोगों ने और कंफर्म किया तो चला पता कि बच्ची के अंदर ही एक और बच्चा है वो जो पनप रहा है। फिर हम लोगों ने प्लांट करके उस बच्ची का ऑपरेशन किया जो कि काफ़ी सफल रहा, और बच्ची ऑपरेशन के बाद बिल्कुल स्वस्थ है और सब खाना वाना खा रही है और बिल्कुल स्वस्थ है। सर्जरी के बाद गिरिडीह की ये बच्ची अब बिल्कुल ठीक है, अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बच्ची को ठीक करने और सफल ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की टीम का परिजनों ने आभार जताया है। गिरिडीह से आजाद के साथ रांची से निरंजन की रिपोर्ट।